नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फनटेक। तो दोस्तों, रिलायंस जियो अब अपने कीपैड फोन पे भी चलने वाली है, यानी कि रिलायंस का जो जियो सिम है वो अपने कीपैड फोन पे भी चला सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी वीडियोज हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, रिलायंस जियो उन लोगों के लिए एक ऐसी फ़ोन ला रही है जिन लोगों को टच स्क्रीन फ़ोन चलाने में काफ़ी परेशानी होती है, या फिर उनका बजट इतना नहीं होता कि एक 4G LTE हैंडसेट ले सके। तो दोस्तों, यहां पे रिलायंस जियो की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि रिलायंस जियो एक 4G कीपैड फ़ोन लाने वाली है, वो भी काफ़ी कम कीमत में। तो यहां पे उस फ़ोन की एक इमेज लीक हो चुकी है, तो यहां पे आप देख सकते हैं इस फ़ोन की एक झलक। तो दोस्तों, ये एक नॉर्मल फीचर फ़ोन की तरह ही दिखता है। तो यहां पे आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहां पे एक्स्ट्रा 4 बटन दिए गए हैं, जो कि जियो TV, जियो म्यूजिक, जियो वीडियो और माई जियो को आप अलग अलग से एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, ये एक 4G VoLTE सपोर्ट फ़ोन है, लेकिन इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस अभी तक लीक नहीं हुई है। लेकिन ऐसे कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि ये जो फ़ोन है वो शायद लावा की तरफ से हो सकता है, और इस फ़ोन की जो प्राइस होगी वो अभी तक सामने नहीं आई है। और ऐसे कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि इस फ़ोन का जो कीमत होगा वो शायद लगभग 1500 के अंदर हो सकता है। तो देखते हैं ये फ़ोन कब तक लॉन्च करती है रिलायंस। तो इस फोन को रिलीज होते ही इसकी पूरी जानकारी हम अपने चैनल पे आपको देते रहेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर से एक लाइक कीजिए। तो आपको फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।